मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको प्रिय मेरे स्वागत है। देखिए ध्यान से, मैंने दो वीडियो तीन वीडियो इसे मैं पहले बनाया था कॉपी पर लिख करके, जो बोर्ड पर नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने बोर्ड पर बनाया। अगर जो हमारी वीडियो आप लोग को समझ में आए, जितने हमारे छात्र हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो जो बोर्ड पर अच्छी लग रही है कि कॉपी पर, मैं उसी हिसाब से मैं कार्य करूँगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करना ना भूलें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, ना लगता है तो ना करें, बात समझ में। मगर लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से मालूम चलेगा कौन कौन बच्चा हमें सवाल को हमारा देख रहा है, कौन बच्चा नहीं देख रहा है, कौन छात्र पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, इसे हमें मालूम चलेगा। चलिए पहला सवाल ये दिया है आप लोगों को, सवाल नंबर 8 में, एक पेड़ स्टोन के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊँचे मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60° है और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यह लिखने की माना DC मूर्ति है, ये डी और सी जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपकी, ये मूर्ति है, ध्यान से देखिएगा, और बी और सी पेडस्टल है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, पेड़ अष्टल है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि 1.6 सेमी का ये मूर्ति है जो ऊपर है, देख रहे हैं ना, पेडिस्टल के ऊपर है, और कह रहा है कि बिंदु से के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण जो बन रहा है मूर्ति का शिखर, वो उन्नयन कोण कितने का यहाँ से बन रहा है, 60 का। सबसे पहले मैंने 60 का कोण बना लिया और उसी बिंदु से ऐसे ही पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 है, दोनों को मैंने बना लिया। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए हमें मालूम नहीं है, ध्यान दीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई की अदम आसान तौर तरीका से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो 90° का कोण बनेगा उसको बीच में ले लेंगे। ले लिए, अब लेने के बाद ये देखिए कि इसमें कोण दिया है, इसी दोनों से हमारा कार्य होने वाला है, ठीक है ना। जब इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों का लेंगे, इन दोनों में साइन कॉस टैन में देखिए तीनों में किसका सूत्र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि इसका टैन में आ रहा है। टैन का क्या सूत्र होता है, देख लीजिए, टैन थीटा बराबर ए लंब बटा में क्या होता है, आधा लंब, इसमें क्या दे दिया यज और ये आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए टैन कितने अंश का पूछ रहा है, टैन 45 का, टैन 45 बराबर लंब कितना दिया है, यहाँ पर लिखिए बी सी बटा में आधार कितना दिया है आपका, ए और बी दिया है, लिखने में कोई दिक्कत। अब बताइए टैन 45 अंश का मान कितना होता है, एक, कितना होता है, एक लिख लीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं, देख लीजिए बी सी का मान यहाँ कुछ नहीं दिया, किसी से इसका मान कितना दे दिया, एच दिया, एच रख दीजिए, और ए बी का मान आपका यही उतार दीजिए, तिरछा तिरछी का हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो आपका ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एच। समीकरण नंबर 1 बनकर हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे को ए बी डी को लेंगे, हम क्या लेंगे, समकोण में सम कोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में देखिए ये आपको पूछ रहा है, ए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जब दोनों को जोड़ देंगे तो एच प्लस हम 1.6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एच है, इसमें क्या है, या तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं इसमें, इसमें भी दिए यही दोनों से कार्य है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, टैन। अब लिख लीजिए यहाँ टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधा, यहाँ पर लिख दीजिए टैन कितना का मान पूछ रहा है, 45 का, 45। अब देखिए तो लंब में क्या दिया है, लंब में लिख दीजिए यहाँ पर बी डी और बटा में ए बी, टैन 45 अंश का मान है, तो लिख दीजिए फिर से टैन 60 बराबर बी डी, बी और डी है, देखिए मान अभी इतना रख देंगे तभी हल हो जाएगा, मगर हम इसको खंड करके दिखा रहे हैं आपको, बी डी को लिख दीजिए बी सी प्लस सी डी और बटा में ए बी, इसको हम टैन 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या लिख लेंगे,
एक लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद बी सी, यहाँ पर बी और सी क्या दे दिया आपका, एच दे दिया है, और ये सी और डी में क्या दिया है, 1.6। देखिए हम डायरेक्ट इसके यहाँ हम लिख देंगे तब या जोड़ करके लिखेंगे तब, ये क्या है आपका ए और बी रखिए। अब पीछे पीछे से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे अंडर रूट 3 ए बी बराबर एच और प्लस 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी ये गुणा है, यहाँ जब गुणा का चिन्ह है यहाँ आएगा तो क्या करेगा हमारा भाग करेगा, क्या करेगा भाग करेगा, ठीक है ना। या तो इसका मान भी हम रख सकते हैं, कितने रख सकते हैं, समीकरण एक में हम देख रहे हैं क्या है एच है ना, तो यहाँ पर हम एच बराबर ए बी भी रख सकते हैं, एच बराबर क्या रख सकते हैं ए और बी भी रख सकते हैं, कोई मान रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं इसका ए बी का मान भी रख सकते हैं, रखें ए बी बराबर एच प्लस 1.6 और देखिए इसी को अंडर रूट हम ला दें खड़ी में 3। अब ए बी का मान यहाँ से देखिए समीकरण नंबर एक में कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, क्या दिया है ए बी का मान एच, तो इसके स्थान पर हम क्या रख लें एच को रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, बताइए एच बराबर एच और प्लस 1.6 और अंडर रूट का हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए एच अंडर रूट 3 और 1.6 अंडर रूट 3 ये दोनों में है, एक में नहीं है। अब देखिए इसको लिख लीजिए एच बराबर एच अंडर रूट 3 और प्लस 1.6 और अंडर रूट 3 दोनों में हो गया, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, एच और माइनस एच अंडर रूट 3 बराबर 1.6 और अंडर रूट। अब बोलिए इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एच है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका एच, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉमन लेने से पहले इसका दोनों में हम कर लेंगे गुणा ना, जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा करने में 3 एच और माइनस एच और बटा में अंडर रूट 3 और बराबर 1.6 और अंडर रूट 3। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है कितना, देखिए एच भी है और एच भी है, जब एच है तो अंडर रूट यहाँ से 3 और माइनस 1 और बटा में अंडर रूट क्या हो गया 3 और बराबर में 1.6 और अंडर रूट क्या हो गया आपका 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ से अब यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ जाएगा तो क्या करेगा आपका भाग करेगा, क्या करेगा भाग करेगा। आप लिख सकते हैं एच बराबर 1.6 और अंडर रूट 3 और गुणते अंडर रूट 3 और करने में 3 माइनस 1, इसे एक हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो एच बराबर 1.6 और एक करने में 3 माइनस 1 हो गया। तो कभी भी आप ध्यान में रखिएगा अंडर रूट जो करने में है इसे नीचे नहीं रखा जाता है, या माइनस है तो आपको ऊपर नीचे क्या कर देना है गुणा कर देना है, प्लस से इसे हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो करने में 3 और प्लस 1 और करने में 3 और प्लस 1 देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो एच बराबर 1.6 और करने में 3 और प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे गुणा होगा तो आपको सूत्र याद होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक में प्लस हो जाता है और एक में क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है, ठीक है ना। इसी सूत्र पर हम इसको रख लेंगे, जब रखेंगे ये अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा वर्ग और माइनस 1 का क्या हो जाएगा आपका वर्ग। यहाँ से देखिए तो हम यहाँ एच बराबर जब निकाल रहे हैं ये हो गया 1.6 और अंडर रूट 3 और प्लस कितना 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 3 का जब वर्ग करेंगे अंडर रूट का 3 और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये एच बराबर 1.6 और अंडर रूट 3 और प्लस 1 हो गया और एच बराबर 1.6 और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा इसको उतार लीजिए अंडर रूट यहाँ पर जो हो गया घट जाएगा तो इसको उतारिए 3 और प्लस 1 और बटा में 2। अब इसको इसे कटाइए कितने देर में कट जाएगा 0.8 जाएगा, ये आपका एच बराबर 0.8 और अंडर रूट 3 और प्लस 1 यही आपकी क्या आ जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। पूछ रहा है ना कि उन्नयन कोण 45 अंश है तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से बी और सी, बी और सी की, तो बी और सी की ऊंचाई कितनी हो गई यहाँ पर लिख दीजिए बी सी की ऊंचाई कितनी हो गई आपका कितना हो गया 0.8 और अंडर रूट 3 और प्लस 1 यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर हमारी वीडियो ये समझ में आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, इससे हमें मालूम चलेगा कौन कौन बच्चा देखा है और कौन नहीं देखा है। ऑल द बेस्ट, थैंक।
क्यू।